मैं सिरीन रूप निखार में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आपके सामने आ चुकी हूँ, इसका मतलब जो भी जिंदगी की परेशानी है उसको साइड पे कर दीजिए और मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की जो समस्याएं हैं उसका हल लेके हम आपके सामने फिर से हाजिर है। और मेरे साथ है तो ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस एस्थेटिशियन नान अदर देन सोमी। सोमी 10 साल से आप लोगों को खूबसूरत बना रही है। दे आर ऑलवेज लाइक यू नो, आपका हाथ थाम लिया है तो हमारी जिंदगी बिल्कुल सॉर्टेड है। लेकिन उम्र के साथ साथ जैसे तैसे हमें पता है हमारा स्किन भी धीरे धीरे ख़राब होता है, रिंकल्स भी आ जाते हैं, सैगिंग भी हो जाता है, स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जाके मतलब 10 साल में आप जैसे थी आज भी वैसे है। हम अगर वैसे करना चाहे कि 10 साल बाद भी ऐसे ही दिखना चाहते तो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा मुझे बताइए। 10 साल से मेरा ऑब्वियसली एक रेजीम था। पहले तो पिंपल था तो कैनएक्टिव कैनफेयर सीरम यूज़ करती थी, उसके बाद मैं कैनफ्रेश कैनफेयर सीरम यूज़ करती थी। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि पिंपल ख़त्म होने के बाद हम लोग कैनफ्रेश यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कैनफ्रेश। लेकिन अभी मुझे लगता है कि और अच्छा एड ऑन हुआ है कैन परिवार में, वो है पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर और उसके संग सॉफ्ट मास्क पैक। तो मुझे लगता है कि पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर एक दिन और एक दिन सॉफ्ट मास्क पैक यूज़ कर सकती हूँ, उसके बाद कैनफेयर सीरम यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैं जो यूज़ करती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ, लेकिन हमेशा हाँ आज मैं कैनएक्टिव नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पिंपल का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एक टाइम में मैंने यूज़ किया था। बट जो रेजीम मैं फॉलो करती हूँ एजिंग का, एजिंग एंटी एजिंग प्रोसेस का जो होता है, हाँ। दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा इमेजिनेशन भी था 40 के हो चुके, मतलब जिंदगी की तो आधा खत्म होके अभी पता नहीं हम बुढ़ापे की ओर चल चुके हैं। तो लेकिन आज वो सिचुएशन है ही नहीं, नहीं। मतलब अगर आप अपने आप को मेंटेन करोगे तो 40-50 तक भी आप बहुत फ्रेश एंड यंग लग सकते हो, और तो वो थोड़ा सा बताइए एकदम। और आप अगर आपका दिख भी रहे हो तो आज से आप ठान लो कि हमें ठीक होना है, हमें फिर वापस जाना है। तो हाँ, रिवर्स भी होता है, आप वापस जा भी सकते हो। मतलब कोई अगर 40 साल तक बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखा, 50 साल तक 60 साल तक, हाउ डज इट मैटर। और मतलब जब भी जागो तभी सवेरा एकदम। मेरा अभी का जो रूटीन है वो है, मैं सुबह तो सॉफ्ट मास्क पैक या तो पोमोग्रेनेट, मैं नॉर्मली पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ करती हूँ क्योंकि उतना सुबह टाइम नहीं रहता। तो नहाने के टाइम में वो स्क्रबर लेके मैं फेस में और बॉडी में अच्छा से अप्लाई करके, फेस में मैंने कैनफेयर सीरम यूज़ करती हूँ और बॉडी में कोकोआ बटर जो बॉडी लोशन है उसको यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि उसमें SPF भी है, तो मेरा हाथों का कलर डार्क होने का डर नहीं रहता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। बट रात को आके मैं स्किन टाइटनिंग जेल पैक यूज़ करती हूँ। स्किन टाइटनिंग जेल पैक जिन लोगों का रिंकल प्रोन स्किन है उन लोग के लिए बोल रहे हैं स्किन टाइटनिंग जेल पैक। उसको धोने के बाद एज डिफाइंग सीरम 2 सेकेंड लगता है, आप चेहरे पे यूज़ करो और उसके बाद हल्का से बस अप्लाई कर लो, और मतलब आपको चेहरे पे स्प्रे करो और हल्का से अप्लाई कर लो, उसके बाद थोड़ा सा एज डिफाइंग जेल मॉइस्चराइजर जो है उसको अप्लाई कर लो। अगर आपको जेल मॉइस्चराइजर यूज़ करने का मन नहीं है, आप एज डिफाइंग सीरम यूज़ करने के बाद एंटी रिंकल क्रीम यूज़ कर लो, मोर देन इनफ। आज अगर 55 की हो तो आप बिल्कुल कुछ नहीं किए हो और आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली 15 दिन में आप 35 की तो नहीं लगोगी, लेकिन हाँ आपको दिखेगा आपका फ़र्क कि आपका स्किन में ग्लो आ गया, आपका रिंकल काफ़ी कम, आपका स्किन टाइटनिंग इफेक्ट आ गया और आपका एज कम दिखना स्टार्ट हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, 20-25 साल की उम्र से ही हमारे स्किन की मेंटेनेंस जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटी, बताया 12-13 साल उम्र में पिंपल होगा तो कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है और उसके बाद 20-25 साल में जाके उसको ठीक करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। okay. क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो तो नहीं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हम लोग सोते हैं, जैसे हम लोग रेस्ट लेते हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं, ये सारी चीज़ के संग जिंदगी में ब्यूटी रेजिम भी हमारे संग मिले हुए हैं। क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी आप साबुन तो यूज़ कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी आप हेयर पे ऑयल तो यूज़ कर रहे हो, आप शैम्पू भी यूज़ कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी बॉडी ऑयल तो यूज़ कर रहे हो, तो ये तो नीड है कि। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो मिला वो यूज़ कर लिए। जिनका पिंपल प्रोन स्किन है वो स्किन टाइटनिंग जेल पैक यूज़ कर रहे हैं और जिनका रिंकल है वो कैनएक्टिव यूज़ कर रहे हैं, कैसे रिजल्ट आएगा? बिल्कुल सही। सो यू शुड नो, आपको जानना चाहिए कि आपका स्किन को क्या चाहिए
और उस हिसाब से अगर आप केयर करोगे तभी वो निखार आएगा जो आप चाह रहे हो। राइट, तो सोमी मैं आपको बता रही हूँ कि पिंपल प्रोन स्किन तो है, हमें पता है, लेकिन ये जो स्किन के इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाना और रिंकल्स और ड्राइनेस के कारण जो यू नो स्किन धीरे धीरे सैग हो जाता है, ये सारे चीज़ों के लिए पूरा एक ब्यूटी रेजिम मुझे लगता है कि होना चाहिए। तो उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ प्रॉब्लम। और आजकल के ज़माने में प्योरिटी तो सब हर चीज़ से ख़त्म हो चुकी है, हमारे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, धूप, मतलब कहते हैं कि यू नो ओजोन लेयर में अभी गैप होने के कारण धूप इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर आर स्किन, तो वो सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे स्किन और बालों में इफेक्ट देता है। तो उसको लेके थोड़ा सा आप मुझे प्रोडक्ट भी बता दीजिए, एकदम इलेबोरेटली प्रोडक्ट भी बता दीजिए, और वैसे भी हेल्पलाइन नंबर है, मुझे लगता है कि कोई भी किसी को भी ज़रूरत पड़े तो हेल्पलाइन में फ़ोन कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगी कि इनको ये सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है ना? हमारा प्रोडक्ट्स हेल्पलाइन में, हमारा प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, आप फ़ोन करके आप पूछ सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगी हेल्पलाइन को आप लोग यूज़ करो इस तरह से कि आप लोग फ़ोन करके सिर्फ बातें करो, सिर्फ पूछो कि आपका स्किन का प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चाहिए, आपका प्रॉब्लम क्या है। इट्स जस्ट लाइक हेल्पलाइन इज़ जस्ट लाइक अ कंसल्टेंसी, ये लोग आपको कंसल्टेंसी देंगे कि आपका मैडम ये प्रॉब्लम है, ये आपका पिंपल का प्रॉब्लम नहीं है, आपका ड्राई स्किन है। मतलब ऐसा भी होते हैं बंगाल में और बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट, इवन जापान से देश टू सेंड अस, वो लोग हमें फोटोग्राफ्स भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप कि प्रॉब्लम जब बता नहीं पाते, तो उसके लिए भी आप झिझको नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है ना कि कोई कंसल्ट कर रहा है हमारा जो टीम, अगर उनको नहीं पता चलेगा तो आपसे शेयर कर लेगा व्हाट्सएप नंबर, आप फोटो भेजोगे, देख के आपको बता देगा कि आपका ये प्रॉब्लम है। लेकिन प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? हाँ, ऑब्वियसली अमेजन फ्लिपकार्ट तो है ही, हमारा वेबसाइट भी है, आप हेल्पलाइन में भी फ़ोन करके बोल सकते हो कि ये मेरा एड्रेस है, आप भेज दो, आपका नज़दीकी कॉस्मेटिक शॉप में भी आपका प्रोडक्ट मतलब सोमी स्कैन का प्रोडक्ट मिल सकता है। ये छोड़ के सुहाना शॉप बोल के एक ऐप है, उसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो उसमें जाओगे तो दैट्स अ मार्केट प्लेस, वहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और डिज़ाइनर ड्रेस भी मिलता है, लेकिन वहाँ सोमी स्कैन भी मिलता है। ब्रिलियंट सोमी, मुझे लगता है कि दैट इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लोगों को जब समस्याओं का समाधान मिलता है ना, उनको प्रोडक्ट भी चाहिए होता है, तो दैट वॉज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट यू नो इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।